सतरंगा तुर पागा हे डोरा रे, नवरंगा तुर चाल रे। कोने गावे मारे तुझे बता देते घूम रे हमें सांझ के। कोने गावे मारे तुझे बता देते घूम रे हमें सांझ के। नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मल्ला, मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो आपके अपन चैनल मोर मितान के हमारे खास कार्यक्रम हमार सगाव संगवारी। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमार मोर मितान चैनल के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना से पुराना जम्मू प्रकार के कलाकार मल्ला आप मन के बीच में लेके आवा दी थन। उखर कला जीवन से जुड़े अनसुने जो है पहलू पे हमन लगातार चर्चा करथन, और कलाकार मन के जो है उखर बारे में आप मल्ला बहुत कुछ जो है जाने का अवसर मिलते हैं हमार चैनल के माध्यम से। तो संगवारी हो, ये सिलसिला हमार लगातार जारी है। और मैं आप मन ला बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो शख्सियत ला अपन देखा थो एला अपन भली भांति जाना थो। इखर गीत संगीत के यदि हमन बात करन, चाहे वो पचरंगा वाला गीत हो, चाहे अभी मोरे मन के कुरिया माम, चाहे लाली बिंदिया, यदि हमन बात करन तो अभी के जो दौर में जो नवा नवा गीत संगीत आवा थे ओ में जो इखर मन के गीत ला आजकल के जो युवा है काफ़ी जो है पसंद करा थे। हमारे जैसे युवा है ओमन काफ़ी पसंद करे जाते हमन करा थन निश्चित रूप से। और हमारे बीच में कौन है तिला आप मन जान के ही हो निश्चित रूप से, तो मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ, ऐसे कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सुरों के धनी और ऐसे कहे जाए तो इखर मन के जो है स्वर में कहीं ना कहीं ऐसे प्रतीत होते कि माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है, ऐसे हमला जो है नज़र आते इखर मन के गीत और इखर स्वर के माध्यम से। तो हमारे बीच में है शर्मिला विश्वास जी है, जिखर मन से हमारे गोट बात करबो और जाने कोशिश करबो कि इखर मन के जो है गीत संगीत में कैसे रुचि हुई, से कहाँ रही थे, अभी कहाँ करते, और नवा नवा इखर मन के नवा गीत जो आने वाला समय में आवा थे उखर बारे में भी हमन विस्तार से चर्चा करबो। तो संगवारी हो बिल्कुल बने रहो हमारी ये वीडियो में। तो देर न करते हुए सीधा गोट बात के सिलसिला जारी करथन। मैम सबले पहले आप मन के स्वागत है हमारे मोर मितान चैनल में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबले पहली तो आपन ये बताओ, हमार जो भी दर्शक मन हाँ देखते रहते इंटरव्यू वो मन के मन में ये रहते सवाल और बहुत ज़्यादा हमला कमेंट करते जिन कलाकार के इंटरव्यू करते भैया देखा पहली कहाँ रही थे, कहाँ पढ़ाई करते, कहाँ जन्म हो है एला पूछे कराओ कहते। तो आप मन के वो गीत में भी जो है कहीं ना कहीं हमला सुने पर मिलते उमेश भैया हा वो गीत में बोलते पचरंगा तोड़ चुनरी है गोरी रे, पचरंगा तोड़ चुनरी है रानी रे, नौ लखा तोड़ हार रे, कोने गांव में रही था बता देते हैं घूम रहे आहू मैं सांझ के। तो ये ला बता दो आपन हमारे दर्शक मतलब कि आपन कौन गांव में रही था और आपन के पढ़ाई लिखाई कहाँ हुए है, कहाँ तक आपन के पढ़ाई हुए है ये ला बताओ आपन। मैं तो छत्तीसगढ़ महतारी के मैं संतान हूँ, लड़का हूँ, और मोर जन्म छत्तीसगढ़ में हुए है दुर्ग जिला में अंजोरा में, और मैं यहाँ कुम्हारी में रही थूँ स्थानीय, मैं कुम्हारी के हूँ रायपुर कुम्हारी, और मोर पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुए है। पढ़ाई में आप मन हाँ कौन से कोर्स करे हो और अभी अब क्या करते हो पढ़ाई में? जी मैं हाँ बीकॉम की पढ़ाई करे हूँ। बीकॉम के बाद मैं हाँ मोर रुचि संगीत में देख के मोर माता पिता हाँ मोला संगीत महाविद्यालय में मोर एडमिशन कराइस, और मैं अभी संगीत की शिक्षा लेवत हूँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के संस्था है कमला देवी महाविद्यालय। जी जी, तो आपन ये बताओ मैम आपन के जो है पचरंगा गीत ला जो है कह जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपन के एक और अलग पहचान बनी समर छत्तीसगढ़ में। उखर पहले भी आपन के वो मोला गीत याद है जब आपन गांव में एक कार्यक्रम के दौरान मानस मंडली के दौरान जो है तोला दुर्गा कहो कि माँ काली वो गीत भी आपन के जो है वो वायरल हो रही सो मंच में जो गीत गाए रहो आपन हाँ। और तो ये बताओ आपन हाँ शुरुआती दौर के यदि बात करें तो गीत संगीत में आप मन के रुझान कैसे हुई से कैसे कदम रखे हो और आप मन जो है पहला एल्बम के जो है मौका कैसे मिली सोला बताओ। जी संगीत में रुचि तो मोर बचपन से रही से, और बचपन से मैं पापा के साथ भजन सीखत रहे हूँ भजन गावत रहे हूँ। हमारे घर के पास एक साई धाम मंदिर है और मोर घर के पास इस्कॉन मंदिर है, मोर फैमिली थोड़ा डिवोशनल फैमिली है आध्यात्मिक है, तो हमारे मतलब दिन के शुरुआत ही भजन कीर्तन से होते, तो साथ ही साथ भजन के साथ साथ मैं यहाँ कॉलेज में स्कूल में देशभक्ति गीत वगैरह गा के मैं यहाँ पार्टिसिपेट करूँ कंपटीशन में, मोला मैडम मन हाँ मोला भेजे और मैं यहाँ सब जगह प्राइज़ लेके आऊँ। तो धीरे धीरे संगीत में मोला लगीस कि हाँ मोर अंदर टैलेंट है तो एला दुनिया तक लेके जाना चाहिए, तो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करत करत मैं यहाँ मानस से भी जुड़े हूँ, मैं भजन गावत रहे हूँ। तो फिर हमार टीम है जय माँ संतोषी आदर्श महिला मानस परिवार
केंद्री जेखर संचालिका है हमार नीलम सिन्हा चाची हा और मैं हा घर प्रमुख गायिका हूँ। तो हमार प्रोग्राम रही से गणेश विसर्जन के दिन हा 2 साल पहले की बात है। तो हमन गे रहन गरिया बंद छूरा ग्राम में, तो वहाँ श्रद्धा स्टूडियो नाम के एक चैनल रही से, तो वहाँ वीडियो बनावत रही से, तो हमार वीडियो ला लेके वहाँ मतलब यूट्यूब में छोड़ीस, फिर वह अचानक से वायरल हो गईस। कवर की गणेश पूजा के बाद नवरात्रि शुरू हो जाते, तो नवरात्रि में ओला से मतलब यूट्यूब में छोड़ने के बाद वो अचानक से एकदम वायरल हो गए और मैं एकदम नया रहे हूँ। तो मोला मैं अलग टाइप से वाला मतलब प्रस्तुत भी कर रही हूँ और मोला वो गाना बहुत पसंद है और हमार जयमा संतोषी मानस परिवार के वह मेन भजन हमन बनाए हन और हर जगह जहाँ पे भी जाथन ओला प्रस्तुत करथन और बहुत प्यार मिलते सभी दर्शक मन के और वो मोर जिंदगी के मोर शुरुआत रही से कि वो गाना के माध्यम से मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में मैं आए रहूँ। फिर मोर संगीत के सफ़र शुरू हुईस, धीरे धीरे मोला एल्बम में मौका मिलीस और अभी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी मोला मौका मिले है जी। तो वो जो गीत लगाए रहो अपन तोला दुर्गा का हो की माँ काली, उखर बाद से जो है अपन गाँव मान्य गाँव में जब जात रहे हो तो आप मतलब पहचान डरत रही सो ही पब्लिक मन है अभी भी आप मतलब तो वैसे छत्तीसगढ़ में आप मन परिचय के मोहताज नहीं हो, आप मतलब हर कोई जो है जानते, तो वो समय आप मतलब जो है किसी टाइप के जो है रिस्पांस मिले जब आप मतलब जनता मन है जो है गाँव के मन चिन्ह है, तो कैसे टाइप के आप मतलब अनुभव हुआ, कैसे लगे अपन अंदर से? बहुत सम्मान मिलते, बहुत उमन हमार प्रतिभा के सम्मान करते, बढ़ावा देते सभी ग्रामवासी मन हाँ। जितना हम शहर में प्रोग्राम करके हमला सुकून नहीं मिलते, इतना बोला मानस में मिलते, काबर कि भगवान के भजन में एक अलग प्रकार के ही शांति के अनुभव होते और सभी एकदम भक्ति भाव से ओला सुनते, एकदम सम्मान पूर्वक सुनते बैठ के, तो बहुत आनंद मिलते। गाय के भी गायन वादन दोनों में हमला सफलता मिला थे, हर जगह जहाँ पर भी हमार टीम जाते तो हर जगह हमन प्राइज हमला मिलते, सम्मान मिलते जी। तो वो जो दौरान जो आपन गीत गा रहे हो दो लाइन हमारे दर्शक मतलब सुनाना चाहो आपन जी जी। तोला दुर्गा कहो के माँ काली, चारो धाम तोरे पुजारी, ओ माता रानी काँ में चढ़ावो तोला दर्शन दे, माता मोला काँ में चढ़ावो तोला दर्शन देवो, काँ में चढ़ावो तोला दर्शन दे, माता मोला काँ में चढ़ावो तोला दर्शन देवो। क्या बात है, वाकई अद्भुत है ये जो है गीत है और आपन के स्वर में तो बहुत सुंदर और बढ़िया मनमोहक जो सुने पर मिलते हैं। एक बार आप मन हाँ एल्बम में भी लगातार अभी आप मन करा था तो नवा नवा गीत भी आप मन के आने वाला भी है और सुपर हिट कई ठन आप मन दे हो। शुरुआती दौर के बात करें पचरंगा से आप मन शुरुआत कर रहे हो पचरंगा वाला गीत, तो पहला गीत में ही आप मन ला जो है सफलता प्राप्त हुई से छत्तीसगढ़ के जनता मन आप मन के गीत ला काफ़ी सुने हैं पसंद करते हैं। आज भी देखें तो आप मन के जो गीत संगीत मना जो है युवा मन के जो है मोबाइल में स्टेटस में रील्स में काफ़ी हमला देखे सुने पर मिलते, कैसे टाइप के आप मन ला मौका मिले इस पचरंगा गीत के? जी यह बात रही से लॉकडाउन के टाइम के मोला अचानक से उम्मीद भैया के फ़ोन आए कि आप ला ये गाना है का, तब मैं बोलो कि बिल्कुल गाना है। उमेज भैया से मोला सबसे पहले जोड़ी से उदय दास जी हाँ और मैं ओखर दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मोर शुरुआत उदय दास जी के द्वारा होइस और सभी उभरते कलाकार मन ला वो खूब सपोर्ट करते और हमारे स्वरसक तक एक ग्रुप है रायपुर के जेखर संचालक है उदय दास जी हाँ और ओखर माध्यम से मैं उमेश भैया से जुड़े हूँ और फिर मोर एल्बम के सफ़र शुरू हो गए और पहला ही गाना पचरंगा हमार बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट रही से और लॉकडाउन के टाइम थोड़ा कठिनाई तो रही से कि कैसे जाबो कैसे वहाँ से आबो, रिकॉर्डिंग में थोड़ा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करल पड़त रही से, फिर हमन मैं गाड़ी से गए वहाँ पे फिर रिकॉर्डिंग हुई और भैया बोले रही से कि ज़्यादा टेंशन मत लो आराम से आओ और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है
और उमेश भैया के बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ओखर माध्यम से मैं बहुत छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कलाकार नितिन दुबे जी के साथ मुला गाय के सौभाग्य मिली। कोई आही सॉन्ग मैं फर्स्ट टाइम ओखर साथ मैं डुएट गाए रहे हूँ और हमारे बहुत अच्छा अच्छा गाना आप मन के बीच आही जी। तो लॉकडाउन में पूरा छत्तीसगढ़ के जनता मन अपन को गीत ला पसंद करे है और घर में रह के वही गाना ला अपन ला जो है हिट करवा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जनता मन है जी जी। तो अपन वो दो लाइन हमारे दर्शक मन के बीच में फिर से अपन प्रस्तुत कर देते, ताजा हो जाती इसमें जी जी। पचरंगा तोर चुनरी है रानी रे, नौरंगा तोरे चाल रे, कौने गावे मारे तच बता देते, घूम रे आहो मैं सांझ के, कौने गावे मारे तच बता देते, घूम रे आहो मैं सांझ के, दिल के सौदा माँ बोहनी तय कर ले, आज नगद ले कल ले उधारी, कल ले उधारी, रुपया पैसा के कोई मोल नहीं है, झेला लग के ये पीड़ित बीमारी, तै दिल वाला रे तै दिल वाला, कर दे सूचना ला जनहित मा जारी, जनहित मा जारी, जिवरा धक धक मन होवे धुकुर धुकुर, भावे ना साथी संगी संगवारी, संगी संगवारी, सतरंगा तुर पागा है डोरा रे, नवरंगा तुरे चाल रे, कौने गावे मारे तुझे बता देते, घूम रे आहो मैं सांझ के, कौने गावे मारे तुझे बता देते, घूम रे आहो मैं सांझ के। अद्भुत, वाकई में ऐसे लगते हैं आप मन के स्वर में जब ये गीत ला सुनते हैं तो मैम ने कहीं ना कहीं आपके जो है स्वर में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है ऐसे हमला प्रतीत होते। आप मन अपन गांव का नाम ला बता दे हो तो दर्शक मन घलो घूमे बर आए ही आप मन से मिले बार तो दर्शक मन से मिलो जी जी, सभी के स्वागत है। मोर दर्शक मन के कारण ही मैं आज यहाँ पे हूँ और मोर दर्शक मन से और मोर फैंस मन से मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि आप मन के कारण ही मैं आज शर्मिला विश्वास अभी जितना भी मैं मुकाम पे हूँ और मोर गाना आप मन बहुत प्यार देवत हो, बहुत माया दुलार देवत हो, ओखर पर मैं बहुत आभारी हूँ और ऐसे ही माया दुलार आप मन बनाए रखो जी। तो कभी भी आप मन के गांव वहीं दर्शक मन मिल लो आराम से जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप जरूर आओ हमारे गाँव घूमे पर। हमारा घुमारिया बहुत ही सुंदर है और यहाँ बहुत ही भव्य भव्य मंदिर है। मैं जैसे बताया हूँ हमार फैमिली तो आध्यात्मिक ही फैमिली है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कुम्हारी जैसे एक पावन धरती में मैं रहता हूँ। काबर कि यहाँ बहुत ही प्यारा साई धाम मंदिर है, बहुत ही सुंदर, ओखर बाद स्वयंभू महामाया माता के मंदिर है और दुर्गा माँ की बहुत कृपा है, मैं आपला पहले ही बता चुके हूँ। और हमार रायपुर साइड जाए के जगह में केवले धाम के बहुत ही प्यारा मंदिर है और थोड़ा और आगे जावे तो फिर इस्कॉन मंदिर पड़ते, राधा कृष्ण मंदिर, तो बहुत ही अच्छा जगह में रही थो। तो बिल्कुल दर्शक मना घूमे पर आई आपसे भी मिलना हो जी और बाकी जो आप मन बताया हो जगह भी आसानी से जी जी, एक दिन के टूर करके आई तो आसानी से घूम सका थे जी। सब सभी के बहुत बहुत स्वागत है, आप आओ घूमो, एक बहुत ही अच्छी जगह है जी जी। तो अभी आपन ये बताओ मैम, जैसे आपन छत्तीसगढ़ी गीत आपन जब शुरुआत करे हो एल्बम रिकॉर्डिंग करे पर जब जाते हो स्टूडियो में तो एक पहले आपमन ला जो है तैयारी कैसे टाइप के करता हो, युवा हो आपमन हाँ, आप ला जो है अभी युवा जो है नवा का नवा कलाकार मन भी देखा तो हिट हिट गाना दे हो आपमन हाँ, तो आपमन की तैयारी कैसे होते जी। मैं तो बताना चाहता हूँ कि मैं बता रही हूँ पचरंगा जो मोर गाना रही से पहला गाना जेखर से मोला इतना पॉपुलैरिटी मिलीस और जिन हाँ द एडियम प्रोडक्शन से लॉन्च हो रही से और जेखर डायरेक्टर रही से हमार आनंद मानिकपुरी भैया हाँ और बहुत ही अच्छा हमार डायरेक्टर हरे और सब ला एकदम जोड़ के रखते और नए नए कलाकार मन ला वो हम मौका देवा थे। तो वैसे ही मोला मौका दी से छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में मैं पहली बार में हाँ एल्बम के द्वारा दर्शक मन के बीच में आयो और बहुत मोला माया दुलार मिलीस। तो वो गाना के कहानी ऐसे रही से कि मोला एक दो दिन पहले मोला गाना भैया भेजे रही से उमेश भैया हाँ और फिर मैं ज़्यादा सुन नहीं पा रही हूँ और भैया मोला बोल रही थी कि ज़्यादा सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं स्टूडियो गया,
फिर भैया जैसे जैसे मुल्ला बोलिस वैसे वैसे मैं ओखर इंस्ट्रक्शन सुन के मैं हाँ गा देव। और बहुत अच्छा भैया हाँ मुल्ला डायरेक्ट करे रही से। और उखर बाद हमार जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई से उखर बाद मोर मन के कुरिया हा जी हाँ 2021 के बहुत पॉपुलर सॉन्ग है रही से। और बहुत ही ज़्यादा रील्स बनी से उखर मिलियंस में रील्स बन गए। और जितना हमारे गाने के व्यूज़ नहीं उखर से ज़्यादा रील्स दर्शक मन हाँ बहुत प्यार दे के बनाई से। तो उखर भी कहानी ऐसे रही से कि ऋषि राज जी हाँ मोला गाना भेजे नहीं रही से। मोला बोलिस कि आप ला आना है स्टूडियो इतना तारीख के नवरात्रि के टाइम रही से 2020 में। तो फिर उस टाइम भी लॉकडाउन चलत ही रही से थोड़ा बहुत। फिर मैं गई वहाँ पे, फिर मोला गाना वहीं पे स्टूडियो में ही सुनाइस आर्टिस्ट पॉइंट। वहाँ सिराज भैया हमारे बहुत ही बड़े म्यूज़िक कंपोज़र है छत्तीसगढ़ के, बहुत ही अच्छा अच्छा गाना बनावा थे मोर संसार हाँ मोर मन के कुरिया भी सिराज भैया हाँ बनाए हैं। और ऋषिराज जी के द्वारा ओला मैं डुएट सॉन्ग गाए रही हूँ जेमा काजल श्रीवास दीदी हा जो छत्तीसगढ़ के सीजी क्वीन है टिकटॉक सीजी क्वीन वो हर लीड करे रही से। और आकाश डहरिया भैया हा वो मैं लीड हीरो रहे से। तो फिर वो जब गाना मैं हाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए तभी सुने रहे हूँ और उसी टाइम सुन के बोला तुरंत मन हाँ गवाइस और बहुत अच्छे से गवाइस मोला ऋषिराज जी हा और सिराज भैया हा बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके मोला बहुत कम टाइम में मैं ओला गा दे। और मोला लगी नहीं कि ये गाना हाँ इतना मतलब मोला और ज़्यादा प्रसिद्धि दिला दी। और दर्शक मन बहुत ही प्यार दी से गाना मल्ला। अभी मैं जहाँ कहीं भी जाता था मोर मन के कुरिया कि खूब मोला बढ़ाई मिलते कि बहुत अच्छा गाए हो आप मन हाँ। फिर ओखर बाद पीटीएफ वाला मन भी मोला मौका दी से गाए बर पुष्कर जी हाँ और तुषार जी हाँ ओखर मन की भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम यदि हमन बात करन आप मन बतात रहे हो पचरंगा वाला गीत जो है आप मन के लॉकडाउन में रिकॉर्डिंग हुई से मोर मन के कुरिये लॉकडाउन में, तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन के स्थिति उत्पन्न हुई से आप मन के लिए तो वरदान साबित हुई से। जी जी लॉकडाउन हमारे मन के किस्मत ला खोली से और खास कर की मोर काबर की हमन स्ट्रगल तो करत हन ही म्यूजिक फील्ड में तो सभी स्ट्रगल करते सभी कलाकार मन हाँ। और बहुत कम टाइम में मोला सफलता मिल गईस और मैं सोचे नहीं रहूं कि पचरंगा से मोर शुरुआत होगी और पचरंगा ही मोर जीवन के सबसे पहला और हिट सॉन्ग रही। और अभी वह 2 मिलियन भी पहुंच गए है और उखर बाद मोर मन के कुरिया मोर सुपर डुपर हिट रही से। उखर बाद पीटीएफ वाला मन के मैं 3 गाना गाए हूँ मोर मन के फुलवारी हा और लाली बिंदिया और बद्रा के पानी ओला भी बहुत दर्शक मन हाँ प्यार दी से बहुत मया दी से। अभी आप मन मोर मन के कुरिया के बात करे हो जिक्र करे हो अभी हमन सोशल मीडिया में देखथन रील्स अभी टिकटॉक बैन हो चुके हैं तब उखर बाद जो है शॉर्ट वीडियो की मैं अगर बात करें तो रील्स में ज़्यादातर चला थे आप मन के ये जो मोर मन के जो कुरिया वाला जो गीत है काफ़ी जो है पॉपुलर हो चुके हैं तो 2 लाइन बिल्कुल हमारे दर्शक मन से ताज़ा कर देते हो मैम। जी जी मोरे मन के कुरिया माँ तोरे सिवा कोनो नहीं है धड़कन माँ हाय धड़कन माँ सुन ले मोर नावला चहकथे पपीहा तोर संग बंध जाहे मन के मोर धागा ए मोर मन के कुरिया माँ तोरे सिवा कोनो नहीं है धड़कन माँ हाय धड़कन माँ। क्या बात है वाकई में ये गीत के बोल है मोर मन के कुरिया माँ तोरे सिवा कोनो नहीं है धड़कन माँ। तो आपके चाहने वाला बन भी जानना चाहता हूँ कौन है धड़कन मोर धड़कन में तो मोर दर्शक मन है जे मन हाँ मोला इतना प्यार देवत है और मोला इतना मया दे के मोला इतना आगे बढ़ाई से और मोर यहाँ तक पहुँचे के सिर्फ एक ही कारण है मोर दर्शक मन जे मन मोला इतना मया दुलार देवत है। तो ओखर मन के अलावा मोर धड़कन में कोई नहीं है मोर मन के कुरिया में कोई नहीं है और मैं यहाँ उमन लही हमेशा मोर कुरिया में रखूँ। वाकई में जनता जनार्दन के आप मन ला जो है आशीर्वाद मिले है तो आप मन ये मुकाम पे हो
मैम आप मन गीत गाथा हो, गीत में तो आप मन छाप छोड़े हो निश्चित रूप से, अब अभी भी आप मन के नवा नवा गीत संगीत के भी तैयारी है। गीत के अलावा आप मन कभो ऐसे लगी सो ही कि मैं भी डांस करते हूँ, एक्टिंग करते हूँ, तो आपन के अन्य गीत के अलावा कोई रुचि है? जी जी, जब मैं कॉलेज में रहूँ, मैं जब स्कूल में रहूँ तो मैं खूब डांस वांस में पार्टिसिपेट करो और सिंगिंग में भी, तो मोर बचपन से ज़्यादा रुझान रही से डांस वांस में, कबार की मोर सहेली मन जब भी डांस वांस करे तो मोला खूब लगे कि मैं भी डांस करूँ, तब मैं डांस करना शुरुआत कर रही हूँ। फिर मैं स्कूल में सबला डांस करत करत मैं खुद कोरियोग्राफ करना शुरू करती रही हूँ। उखर बाद फिर मैं कॉलेज में भी एज ए कोरियोग्राफर बहुत सारे गाना मनला में यहाँ कोरियोग्राफ कर रही हूँ, और हम मैं जो कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ पे भी मोला डांस टीचर के नाम से मोला पहले बुलाए, काबर की डांस सबला पसंद होते, और भगवान के बहुत कृपा है कि मोला दोनों कला दे है, डांस भी, डांस में भी मैं निपुण हूँ और मैं गायन में भी। तो पहले मैं डांस खूब करो स्कूल कॉलेज में सब जगह में पार्टिसिपेट करो, फिर मोर रुचि और टैलेंट ला देख के मोर मैडम मन हाँ मोला कंपटीशन में भेजे, वहाँ पे भी मैं फर्स्ट प्राइज लाऊँ। उखर बाद मोला मौका मिली से कर्नाटक जाए के नेशनल कंपटीशन में, जिसमें 7 राज्य के स्टूडेंट मन आए रही से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और ऐसे मतलब 2-3 और राज्य रही से, उखर मन के मतलब सब जगह से 10-10 करके स्टूडेंट मन आए कॉलेज मन से। तो उखर बीच में हमारा कॉम्पिटिशन रही से, तब मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मोर कॉलेज से मैं अकेले मुला भेजे रही से मोर मैडम मन हाँ मोर कॉलेज में, मोर अल्पना देश पांडे मैडम और मोर बुआ कस्तूरी मैडम, वन मोर कला और मोर प्रतिभा ला देख के मोला खूब अप्रिशिएट करेस, और हर जगह जहाँ पे भी कंपटीशन होए मोला भेजे, और उखर साथ ही मोला नेशनल जाए के भी मोला मौका दिलवाइस अल्पना देश पांडे मैडम हाँ, और मैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ ला रिप्रेजेंट करी, छत्तीसगढ़ के जितना भी संस्कृति है मैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला डांस के माध्यम से, लोकगीत माध्यम से और गीत संगीत के माध्यम से वहाँ रिप्रेजेंट करी। वहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ ला 7 राज्य में सबसे पहला इनाम मैं लेके आऊँ, और मोर मैडम मन खूब मोला आशीर्वाद दिस, और मैं मोर फोटो हा उस 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में भी छपे से मोला, फिर मैडम मन बोले कि खूब आगे जाबे, और मोर मैडम मन के ही आशीर्वाद है, मोर गुरुजन के आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं मोर मैडम मल्ला, मोर प्रिंसिपल मैडम मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उमर मोर प्रतिभा ला पहचान के मोला इतना आगे लेके गई, और आज मैं छत्तीसगढ़ के एक प्लेबैक सिंगर बन गई हूँ उखर मन के आशीर्वाद से। तो उखर मन के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे हूँ। अभी आप मन के नवा अभी तो आप मन एल्बम करा थो, उखर अलावा आप मन बीच में जिक्र करे हो कि आप मन के जो है फिल्म में भी जो है गीत आने वाला है इसे करके, तो अभी आप मन के जो नवा नवा गीत आई उखर बारे में कुछ चर्चा करना चाहो आप मन? जी, अभी हमार कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्म बना थे जिसमें मोला एज ए सिंगर प्लेबैक सिंगर के मोला मौका मिले है, और बहुत प्यारा प्यारा गीत आप मन ला सुने बन मिली जल्द ही, काबर की लॉकडाउन के कारण बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन वाला मन फिल्म नहीं बना पाए रही से, तो हमार एल्बम शुरुआत हो रही से लॉकडाउन में, हमार तो एल्बम सुने हो पचरंगा से शुरुआत हो गए मोर, उखर बाद प्रतिभाला देख के बहुत सारे डायरेक्टर मन मोला भी मौका दे है, तो आप मला जल्द ही सुने पर मिली बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग है। जी, आप मन जो है ये जो क्षेत्र में हो संगीत के क्षेत्र में आदर्श कौन लमांत हो आप मन अपन? जी, छत्तीसगढ़ी जो हमार भाखा बोली के बहुत फेमस सिंगर है, मोर सबसे फेवरेट सिंगर है अलका चंद्राकर जी हाँ, ओला ही ओखर गाना ही सुन के मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी गाना ला सुन के छत्तीसगढ़ी सीखे हूँ, छत्तीसगढ़ी गाना सुन के मैं छत्तीसगढ़ी गाना गावत हूँ, और उखर बाद ममता चंद्राकर जी है, और उखर बाद नितिन दुबे जी सर हरे बहुत ही लेजेंडरी सिंगर हरे हमारे छत्तीसगढ़ के, उखर संगीत उखर गायन शैली सुन के मैं गीत ला सीखता हूँ, हमारे चंपा दीदी हरे उखर से भी मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, तो यही मोर आइडल हरे। जात जात हमारे दर्शक मल्ला और आपके चाहने वाला है आपके फैन है वो मल्ला कुछ कहना चाहो? मैं सबला यही एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपन अपन छत्तीसगढ़ के धरोहर संस्कृति से जुड़े रहो, और जितना हो सकते आपन हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के लिए जो भी कर सकते हो करो,
और जिन जिन आप मन के घर में जो भी कहीं टैलेंट हरे संगीत हो, अपन बच्चा मन ला आगे बढ़ाओ, सिखाओ और ओला कहीं ना कहीं माध्यम से जनता तक पहुँचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मन जो है कीमती समय निकाल के हमारा समय दे, हमारे चैनल ला समय देते, खाली आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय जोहर। तो संगवारियों हो, ये नहीं हमारे बीच में शर्मिला विश्वास जी, जिकर मन के जो है गीत संगीत ला हमन जो है हमारे जैसे युवा मन है जो है काफ़ी पसंद करे जाथन, और अभी इखर मन के नवा नवा गीत संगीत आने वाला है, तो हमारे मन के जो है इंटरव्यू के माध्यम से आप मन ला जो है बहुत कुछ जो है शर्मिला विश्वास जी के बारे में जाने पर सुने पर मिली सोही। मैं आशा करता हूँ संगवारी हो आप हमारे गोड बाद इंटरव्यू पसंद आई सोई, पसंद आई सोई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करूँ, शेयर करूँ, चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब करे पर झन बुलाऊँ, फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला घलो लाइक करूँ संगवारी हो, आगू घलो हमार छत्तीसगढ़ के ऐसा नवा से नवा पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकार मला लेके आवत रिबो। अभी के लिए मोला दविदा, मैं दिलीप कुमार कैमरा मैन राम देवांगन के साथ, कुम्हारी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।